दोस्तों, जब भी एक नया ब्रांड एक नया प्रोडक्ट को मार्केट पर लॉन्च करता है, सबसे पहले हम लोग का दिमाग पर एक ही सवाल सबसे पहले आ जाता है, वो है इस प्रोडक्ट का आफ्टर सेल सर्विस हमको क्या मिलेगा, इस ब्रांड का सर्विस सेंटर कहाँ कहाँ है, हमारा घर से हमको कितना दूर जाना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए, आफ्टर ऑल सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस हमको क्या देखने के लिए मिलेगा। बहुत कुछ सवाल आ जाता है क्योंकि ब्रांड नया है, प्रोडक्ट भी नया है। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ नथिंग फोन वन रिलेटेड, क्योंकि नथिंग फोन वन रिलेटेड बहुत कुछ हाई बन चुका है। नथिंग फोन वन का प्राइस वैसा होगा, इस तरह का स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, बट अब में से मैं जानता हूं काफी यूजर नथिंग फोन वन के साथ जाओगे, बहुत यूजर नथिंग फोन वन को परचेस करोगे। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नथिंग फोन वन का सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है, कहां कहां सर्विस सेंटर है। मैं डायरेक्ट सर्विस सेंटर पर कॉल किया हूं और आपको मैं लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और उधर का जो इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को एक लाइक देकर स्टार्ट कीजिए, अंत तक देखिए और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये देखिए नथिंग का सर्विस सेंटर, आपको जस्ट गूगल पर जाना होगा, गूगल पर टाइप करना होगा नथिंग सर्विस सेंटर, एक पेज खुल जाएगा और इधर पैन इंडिया पर आपको सर्विस सेंटर देखने के लिए मिल रहा है। हर एक स्टेट पर आपको मिनिमम 10 से 12 सर्विस सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा और इधर जो मेरा स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। इधर देखिए सर्विस सेंटर का जो एड्रेस है, एड्रेस विद फोन नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, आपके स्टेट पर भी आपको एड्रेस और फोन नंबर दिखाई पड़ जाएगा। और इधर मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, इधर दो टाइप का सर्विस सेंटर होता है, वे एक है एक्सक्लूसिव ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, मतलब जो सैमसंग का सर्विस सेंटर होता है, जो शामी का सर्विस सेंटर होता है, सर्विस सेंटर में आपको सैमसंग का फोन ही सर्विसिंग देखने के लिए मिल जाएगा, शामी के पास शामी का फोन का ही सर्विसिंग होगा और कुछ ब्रांड का आपको सर्विसिंग इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक है ओनली इधर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर मतलब आपको बहुत सारा ब्रांड का एक साथ आपको सर्विसिंग देखने के लिए मिलता है, ये सब ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है। एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर आपको पैन इंडिया पर कोई भी सर्विस सेंटर अभी नथिंग के लिए मौजूद नहीं है, आपको इधर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ही मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो कॉल रिकॉर्ड आपको मैं सुनाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अंत तक देखना। मैं पहले ही बोल देता हूं, इस सर्विस सेंटर में आपको बहुत सारा ब्रांड का सर्विस एक साथ देखने के लिए मिलता है, डेल का जो लैपटॉप होता है, डेल का लैपटॉप का सर्विस इस सर्विस सेंटर में आपको मिलेगा, रियलमी का जो लैपटॉप है, रियलमी का लैपटॉप भी सर्विस सेंटर इस सर्विस सेंटर में ही मिलेगा, और बोट का जो प्रोडक्ट होता है, जो स्मार्ट वॉच होता है, जो साउंड का जो डिवाइस होता है, उस सर्विस सेंटर भी यही है, और नथिंग का सर्विस सेंटर ए वाला सर्विस सेंटर ही है। मतलब कुल मिला के आपको बहुत सारा कंपनी का सर्विस इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कॉल रिकॉर्ड को अब ध्यान से अंत तक देखिए और उससे पहले वीडियो को एक लाइक देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को एंजॉय कीजिए पूरा एंड तक। हेलो हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये नथिंग का सर्विस सेंटर है क्या? हाँ, नथिंग का सर्विस सेंटर है। ये ऑथराइज्ड नथिंग का है ना? इस सर्विस सेंटर में कुछ भी ब्रांड का सर्विसिंग होता है? मल्टी ब्रांड का सर्विस सेंटर है। तो ओरिजिनल और ईच एंड एवरी ब्रांड का ऑथराइजेशन ही है। मैं बोल रहा हूँ ओनली नथिंग का ही है सर्विस सेंटर? ओनली नथिंग का नहीं है, नथिंग के साथ और भी सब कुछ ब्रांड है जो ऑथराइजेशन है जिसका होता है। मतलब कौन सा ब्रांड की? डेल है ना, डेल पता है ना आपको? सॉरी, डेल का नाम सुना है ना आपने? डेल लैपटॉप, डेल है, आसूस है, लेनोवो है, मोटोरोला है। अच्छा अच्छा, रियलमी है, बोट है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने मतलब एक साथ ही इस तरह का ब्रांड का इधर सपोर्ट मिलता है। नथिंग तो नया फोन लॉन्च करने वाला है आज, तो नथिंग का फोन का भी सपोर्ट आगे जाकर देखने के लिए मिल जाएगा? नथिंग का हम लोग सिर्फ हेडफोन का सपोर्ट देते हैं, ठीक है? कौन सा सपोर्ट? और हेडफोन का सपोर्ट हम लोग सिर्फ नथिंग का देते हैं। अच्छा। अपकमिंग से हम लोग फोन का भी देंगे, फोन का भी सपोर्ट आप लोगों को हो जाएगा। मतलब ये थर्ड पार्टी है एक्चुअली, ऑथराइज नहीं है ना? ऑथराइज नहीं होता है तो ब्रांड कभी भी आता नहीं है सर्विस सेंटर पे। ऑथराइज होता है ना तभी ब्रांड आता है। मतलब ऑथराइज सर्विस सेंटर पर तो ओनली वन ब्रांड का ही होता है, मतलब वो आप जो बोल रहे हैं वो एक्सक्लूसिव होता है। अच्छा अच्छा, एक्सक्लूसिव एंड ऑथराइज बोथ आर नॉट द सेम। ओके ओके ओके, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ऑथराइज सर्विस सेंटर है। और नथिंग का कहीं पर भी आपको एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा। ब्रांड जब बहुत बड़ा होता है ना तभी कोई फ्रेंचाइजी हो कोई भी वो उसको एक्सक्लूसिवली करता है। हम लोगों का जैसे बोस है वो एक्सक्लूसिव ही है। ब्लड इज एक्सक्लूसिव है या बोस जो है वो एक्सक्लूसिव है? अच्छा अच्छा, मतलब बहुत ब्रांड बड़ा हो जाएगा तब एक्सक्लूसिव हो जाएगा एक्सपेक्टेड। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।